पीटने के लिए, मारने के लिए, उसका हक छीनने के लिए जो हाथ हिंदू के ऊपर उठेगा उस हाथ को वरुण गांधी काटेगा। मैं एक आस्तिक हिंदू, मैं एकादशी पे व्रत रखता हूँ। मेरे घर में अखंड ज्योति जलती है देवी की और हनुमान जी की। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश को नुकसान पहुंचा रही है। वरुण गांधी इस वक्त खूब वायरल है। वो लगातार धर्म से उठकर वोट देने की बात कर रहे हैं, खासकर जब उनके चचेरे भाई राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तब वो बिल्कुल वैसी बातें कर रहे हैं। ऐसे में इस बात पर खूब चर्चा है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले वरुण गांधी कुछ ऐसी राजनीति करते थे, तब वो बीजेपी फायर ब्रांड हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हुआ करते थे। वो भी यूपी के सीएम और तब के सांसद योगी आदित्यनाथ से भी तीखे भाषण दिया करते थे। साल 2009 में पीलीभीत में प्रचार के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बोला था जिस पर मामला भी दर्ज कर लिया गया था। देखिए अपनी राजनीति की शुरुआत में कैसे वो भाषण दिया करते थे, हालांकि उन्होंने इतने हिंसक शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसे हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। अपने जाओ, गांव में जाओ, हल्ला करो भाई, सारा हिंदू एक तरफा हो जाओ, क्षेत्र को पाकिस्तान बचाओ। पीटने के लिए, मारने के लिए, उसका हक छीनने के लिए जो हाथ हिंदू के ऊपर उठेगा उस हाथ को वरुण गांधी काटेगा। जो आदमी थप्पड़ आपको मारे, आपको क्या करना चाहिए? दूसरा गाल दिखा देना चाहिए। उससे बेवकूफ कोई बात मैंने सुनी नहीं आज तक। अगर कोई आदमी आपको थप्पड़ मारे तो का हाथ। अब वरुण गांधी काफी ज्यादा बदले नजर आ रहे हैं। हाल ही में 21 दिसंबर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो काफी कुछ कह रहे हैं। मैं एक आस्तिक हिंदू, मैं एकादशी पे व्रत रखता हूँ। मेरे घर में अखंड ज्योति जलती है देवी की और हनुमान जी की। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश को नुकसान पहुंचा रही है। ये नफरत की राजनीति इस देश को नुकसान पहुंचा रही है। जात पंथ और धर्म के ऊपर वोट देना बंद करो। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? मुझे याद है जब विधानसभा चल रहा था तो मैंने मैरी गोल्ड जी से बात की थी, तो मैंने कहा था कि अच्छे आदमी को वोट देना चाहिए, गंदे आदमी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है देश को। और इन्होंने कहा था, साहब हम तो बंधुआ मजदूर हैं भाजपा, वहां से कोई गधा घोड़ा या बिल्ली भी आ जाएगा तो हम सब उसका बटन दबाएंगे। तो मैंने कहा तो फिर गधा और घोड़ा और बिल्ली बनिएगा आगे जाके, फिर इंसान तो बनिएगा नहीं। आज स्थिति ये है भाइयों, क्यों ऐसा हम लोग सोचते हैं? कुल मिलाकर वरुण गांधी फिलहाल बदले बदले नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।